नमस्कार। सिटी न्यूज़ के दर्शकों को मैं सतीश अग्रवाल अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि हमारी जो नियमित स्वास्थ्य चर्चा हेल्थ केयर, इसमें हम अपने शरीर से संबंधित एक स्वास्थ्य विषय चर्चा लेते हैं और एक्सपर्ट द्वारा उस विषय पर उनसे मार्गदर्शन हासिल करते हैं। इसी श्रृंखला में पिछली बार हमने डॉक्टर राजेंद्र जी निस्ता ने इनसे डायरिया के कारणों पर और लक्षणों पर चर्चा की थी। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम डायरिया के उपचार और ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इस विषय पर आज हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, शहर के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर एडवर्ड जी पानट। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर पानट जी ने अपने अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई अमरावती के पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज से की और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई नागपुर स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से की। इसके बाद इन्होंने भिलाई के प्रतिष्ठित भिलाई स्टील प्लांट में अनुभव हासिल किया और अभी पिछले कुछ समय से अमरावती में बालाजी प्लॉट स्थित अपने निजी चिकित्सालय में अपनी सेवाएँ देते हैं। डॉक्टर पानट जी का अद्भुत पर्सनैलिटी है, इसलिए कि पीडियाट्रिक्स के अलावा इन्होंने डर्मेटोलॉजी यानी स्किन डिजीज में भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है और एक उत्कृष्ट चिकित्सक होने के अलावा इनके अंदर जो एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है। अपने इतने बिजी शेड्यूल में भी नियमित इनका खेल चलते रहता और हम लोग के बहुत गर्व की बात है कि पिछले 5 सालों से अमरावती आई में विभिन्न टूर्नामेंट में चैंपियन का दर्जा हासिल किया है और इसमें डॉक्टर अद्वैत जी का इसलिए बड़ा हाथ है कि इसमें बहुत सारे मैचेस में इन्होंने मैन ऑफ द मैच हासिल किया है। सर, इसे तो आपको बधाई। थैंक यू। और विषय पर, सीधे विषय पर आते हैं सर। पिछले बार हमने डॉक्टर निशानी जी से डायरिया के लक्षण और उससे बचाव विषय बात की थी और जैसे हमको चर्चा पता चला था कि डायरिया में बहुत बार इलाज की जरूरत नहीं होती, सेल्फ लिमिटिंग होता, कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। प्रश्न यह है कि इसमें डायरिया में उपचार की जरूरत क्यों होती है? जी, डायरिया वैसे तो एक खुद ब खुद रुकने वाली बीमारी है जिसको हम लोग सेल्फ लिमिटिंग कहते हैं, पर डायरिया के विभिन्न पहलू ये भी है कि अगर किसी छोटे बच्चे में अगर डायरिया हो रहा है तो अगर एक बड़े इंसान में डायरिया होता है और बच्चों में होता है तो बच्चों में ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए हमको उसमें इलाज करना बेहद ज़रूरी है। अगर लंबे समय तक डायरिया चलते रहा तो कुपोषण हम लोग जिसको कहते हैं वो भी होने की कई अधिक संभावनाएं हैं, तो इसलिए हमको ये खुद ब खुद रुकने वाली बीमारी ज़रूर है पर इसमें हमको निरंतर इलाज करने की बेहद ज़रूरत है। तो दर्शकों, डॉक्टर पानट जी दो मुद्दे बहुत स्पष्ट तरीके से हमसे कह रहे हैं कि जो चीज़ बड़ों में होती है उसी को हम बच्चों में आधा करके नहीं बता सकते, क्योंकि बच्चों के शरीर का आकार कम है और इसीलिए उनके अंदर जो रिजर्व मात्रा कम होती है, तो जो डायरिया बड़ों में होता है वही बच्चों में घातक होता है और अगर सही उपचार नहीं हो तो उनके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर पानट जी, अगर हमने तय किया कि बच्चे का उपचार होना चाहिए तो किस आधार पर तय करते हैं, उसके लिए कौन से हमारे बेसिस होते हैं जिस पर हम तय करते हैं कि उसको उपचार की ज़रूरत है? जी, आमतौर पर जैसे डायरिया के कुछ लक्षण जो है, कुछ लक्षण और हम लोग जिनको साइंस कहते हैं, इन दोनों का मिश्रण हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। हम लोग जब घर पे उसका उपचार शुरू कर रहे हैं तो हमको ये देखना होगा कि कहीं जिस बच्चे को डायरिया हो रहा है वो कहीं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा है या बहुत सुस्त है, या उसके पेशाब का प्रमाण हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि पेशाब हमको बता दिया कि हमारे शरीर में पानी का प्रमाण कितना है। आमतौर पर 60% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर, तो हमको ये देखना होता है। अगर बहुत छोटा बच्चू है तो उसकी टालू लेवल पे है या नीचे गई है, जब वो रो रहा है तो उसके आँखों से आंसू आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके होंठ जो है वो सूखे हुए हैं, गालों के अंदर का हिस्सा गीला है या नहीं है, ये चीज़ें बेहद ज़रूरी है जो हमको बता दिए कि उसके शरीर में पानी का प्रमाण किस तरीके से है। अगर सिर्फ डायरिया हो रहा है और ये सब चीज़ें ठीक है तो हम लोग उसको घर पर भी उपचार शुरू कर सकते हैं। तो एक हम उसको संक्षेप में समझे कि जिन चिन्हों का आपने उल्लेख किया है तो वो शरीर से पानी कम होना डिहाइड्रेशन के चिन्ह हो सकते हैं। जी, जी, जी। और जहाँ जितना पानी कम हो रहा है उसको हम पूर्ति करने की अपनी आवश्यकता समझते हैं। जी। तो अगर हमने तय कर लिया कि इसका उपचार करना चाहिए तो इसका उपचार घर पे होना चाहिए या दवाखाने में होना चाहिए?
मैं समझता हूँ कि ये सवाल बेहद ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि डायरिया शुरू होते से ही उसका उपचार घर पे शुरू हो जाना चाहिए। डायरिया हो रहा है इसका मतलब शरीर से पानी जा रहा है। हम लोग जितने जल्द से जल्द उसके शरीर के पानी की जो कमतरता है वो घर में ही पूरी करना शुरू कर दे तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर में ही हम लोग इसका उपचार शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे पास घर में ORS है, ORS यानी हम लोग जिसको क्षार जल संजीवनी कहते हैं, तो हम लोग घर में ही उसका उपचार बिना विलंब शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ORS मिलने में हमको अगर दिक्कत जा रही है तो हम लोग घर में जो भी हमारे पास उपलब्ध है, जैसे हम लोग उसको नींबू पानी हो गया, नींबू शक्कर पानी, या फिर ताक हो गया, या फिर हम लोग उसको जिसको कांजी कहते हैं, चावल की हम लोग कांजी बना के दे सकते हैं, या इसी तरह से हम लोग नारियल का पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में पानी भी है और क्षार भी है, तो जो शरीर से जा रहा है उसकी भरपाई करने की हम लोग घर में ही कोशिश शुरू कर सकते हैं। अब घर में उपचार करते वक्त हमको कई चीज़ों पे ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। चूँकि हम लोग घर में ही उसका इलाज कर रहे हैं तो जैसे डिहाइड्रेशन के लक्षण जो है अगर हमको वो दिखाई देते हैं, जैसे उसकी टालू नीचे जा रही है, या पेशाब का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, या बच्चे की चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, या सुस्त हो रहा है, उसके चमड़ी का ढीलापन, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि उसकी चमड़ी ढीली होते जा रही है, तो ये लक्षण है कि हम लोग घर पे तो उपचार कर ही रहे, उसको फौरन डॉक्टर की मदद लेने की भी ज़रूरत है। इसी वक्त मैं दो चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सर। कई बार होता है कि टेलीफोन से पूछा जाता है और घर पे इलाज करने की कोशिश की जाती है, तो ये शायद हानिकारक हो सकता है। एक अनुभव हमारा ये भी है कि कई बार लोग ये पूछते हैं कि कोई गोली मिलती है बाज़ार में जो देते से ही डायरिया रुक सकता है, जिसको हम लोग लोपेरामाइड कहते हैं। इस गोली का इस्तेमाल घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये गोली हमारे अतड़ियों का काम करने का, जो अतड़िया काम करती है वही बंद कर देती है, तो जो विषाणु नेचुरली हमारे शरीर से बाहर जा रहे हैं उसको रोकने का काम ये गोली कर रही है। और हो सकता है कि जिस बच्चे में या जिस अडल्ट में गोली का इस्तेमाल किया गया हो वो आगे जाके सीरियस होने की भी संभावना होती है। और दर्शकों, आपकी जानकारी कि जिस गोली का डॉक्टर अद्वैत जी ने उल्लेख किया है तो WHO ने इसे बैन कर दिया है। अद्वैत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये ORS देने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका है एक, और अगर ORS नहीं तो और क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए? जी जी जी, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार होता है कि हम लोग हमारे घर में हम लोग ये समझ के चलते हैं कि बच्चे का पानी कम हो रहा है तो उसको पानीदार चीज़ें दी जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या ना दे, इस सवाल के लिए मेरा उत्तर ये रहेगा कि बच्चे को चाय नहीं पिलानी चाहिए इस दौरान, या फिर सादा पानी जो है सिर्फ वो भी हम लोग ना दे तो बेहतर है। कई बार हम लोग उनको कोल्ड ड्रिंक्स दे देते हैं, जैसे एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स भी कॉल देना है, कोला हो गया, या ये सब चीज़ें हम लोगों को नहीं देनी चाहिए उनको। इसके साथ साथ जैसे बाज़ार में जो पैक बंद जैसे फ्रूटी हो गया या माजा हो गया, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर ये सब चीज़ों से अगर हम लोग अंतर रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ORS देने का तरीका ये साइंटिफिक होना चाहिए। ORS जब हम लोग बना रहे हैं तो उसको हमको देना है उसको थोड़ा थोड़ा करके। बच्चे के शरीर का पानी काफ़ी कम हो चुका है, ORS देखते से ही शायद वो उस पर झपट्टा मारेगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ORS पीने की कोशिश करेगा, और ये उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जितना पानी वो फटाफट पिएगा उतना ही उल्टी करने की संभावनाएँ ज़्यादा रहेगी। इसलिए उसके देने की विधि यह है कि उसको आधा चम्मच, एक चम्मच, आधा चम्मच, एक चम्मच, ऐसा करते करते निरंतर हम लोग उसको देते रहे थोड़ा थोड़ा करके। साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि हम लोग थोड़े थोड़े मात्रा में अगर लगातार देते रहे तो वो ORS उसके शरीर में एब्सॉर्ब होगा, शरीर में वो बना रहेगा और उससे बच्चे को फ़ायदा होगा। चूँकि अब हम लोग तो ये जान चुके हैं कि ORS डायरिया के लिए मेन स्टे थेरेपी है, यानी सबसे ज़रूरी अगर उपचार कोई है तो क्षार जल संजीवनी है। अब ये कैसे, ये बेहद ज़रूरी है, हम लोग को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि डायरिया जिस वजह से हुआ वो हमारे से ORS देते वक्त बच्चों को फिर से वो कंडीशंस ना हो। जैसे जो भी इंसान माता पिता बच्चे के लिए ORS बना रहा है उसने अपने हाथ साफ़ सुथरे रखने बेहद ज़रूरी है। हो सके तो ORS बनाने के पहले, हर बार ORS बनाने के पहले 2 मिनट तक अपने हाथ साबुन से धोना बेहद ज़रूरी है। जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में हम लोग ORS बनाने वाले हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए।
जो पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर हम लोग उबाल के ठंडा करके यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है, या फिर साफ़ सुथरा पानी हमने इस्तेमाल करना चाहिए। ORS ढका हुआ होना चाहिए, हम लोग ORS दे रहे तो उसमें ये साफ़ सफाई मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर काफ़ी समय से हमारा ORS बना हुआ है तो हम लोग समय समय पे उसको फ्रेश यानी नए से बनाना अगर शुरू रखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ORS कैसे दे और कब दे तो हमने जान लिया है। कई समय पे ऐसे हालात पैदा होते हैं कि ORS हमने नहीं देना चाहिए। वो कंडीशंस ऐसे हैं कि अगर बच्चा निरंतर उल्टियाँ कर रहा है, हम लोग अगर उसको ORS देने की कोशिश कर रहे हैं फिर वो उलट रहा है, तो ऐसे वक्त में हम लोग शायद ORS ना दे तो बेहतर रहेगा। अगर बच्चा बेहद सुस्त है, वो ORS लेने के कंडीशन में ही नहीं है, उठ ही नहीं रहा है, तो हम लोग ज़बरदस्ती उसको ORS पिलाने की कोशिश ना करें तो बेहतर रहेगा। अगर हमको उसका पेट काफ़ी फूला हुआ लग रहा है, जैसे पेट एकदम फूल गया है, टाइट है, तंग है, तो उस समय हम लोग बेहतर रहेगा कि उसको ORS ना दें और अस्पताल में डॉक्टर के परामर्श के लिए ले जाए। कई बार ये होता है कि कई माता पिताओं को ये भी पता होता है कि अपने बच्चे को कोई हृदय की बीमारी है, ऐसे वक्त में उसको ORS बगैर डॉक्टरी की सलाह देना हानिकारक हो सकता है। ऐसे वक्त हम लोग डॉक्टर की सलाह लें। बीमारियाँ जैसे HIV हो गया, उसमें भी हम लोग अगर डॉक्टर की सलाह पहले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें उसकी इम्यूनिटी यानी प्रतिकारक शक्ति कम रहती है, तो ऐसे में डायरिया ज़्यादा सीवियर। जी जी। दर्शकों, जानकारी के तौर पर ORS का चलन 1940 से शुरू हुआ और ये थेरेपी 60 के दशक में बहुत पॉपुलर हुई। अमेरिका, पाकिस्तान सहित पूरे भारत में, पूरे विश्व में कॉलरा जैसे लोगों के लिए एक संजीवनी सिद्ध हुई। और पिछली सदी की सर्वोत्तम उपलब्धि दो चीज़ें मानी गई, एक तो HIV जो ORS खोजा गया वो, और दूसरा ORS की खोज। तो ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ जिसे डॉक्टर पानर्जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि एक सादा सा गणित है, अगर दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, तो शरीर का पानी कम हो रहा है, सात्मिक क्षार कम हो रहे हैं, और जिस तरह कम हो रहे हैं उस तरह हमको पूर्ति करनी है। कोशिश ये है कि हम अगर उसे मुँह से ही दें तो ज़्यादा अच्छा है, तो शायद दवाखाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और एक बहुत ज़बरदस्त जिस चीज़ पर उन्होंने जोर दिया वो है स्वच्छता और सफाई। डॉक्टर पानर जी, अगर जी इसमें और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ORS के बारे में ये कहा जाता है कि ORS ने शायद उतनी जाने दुनिया में बचाई है जितनी और कोई मेडिसिन ने नहीं बचाई है। ORS इज सपोज टू बी द बेस्ट मेडिसिन फाउंड एवर, क्योंकि ORS से कई लोगों की जान बचती है और ये सच है। और दूसरी बात ये, नवजात शिशु के किसी भी उम्र में कभी भी दिया जा सकता है। डॉक्टर पानर जी, आपने उल्लेख किया है कि अगर मान लीजिए बच्चा घर में उपचार अगर ORS दे रहे हैं और तरीके से हम उसका उपचार कर रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है जी, तो निश्चित तौर से उसको दवाखाने ले जाना पड़ेगा जी। तो दवाखाने में उसके उपचार विषय में आपकी सलाह क्या है जी? जब कहीं हमको लग रहा है कि हम लोग घर में ORS दे रहे हैं फिर भी दस्त नहीं रुक रहे, उल्टियाँ चल रही, तो हमको फौरन डॉक्टरी परामर्श की ज़रूरत है। जब कभी आप अस्पताल में जाते हो तो सबसे बेहतर इंसान है उस वक्त का जो डॉक्टर आपके बच्चे को देख रहा है। हो सकता है डॉक्टर साहब, आप जो भी आपके डॉक्टर साहब है वो बच्चे की जांच करे और वो बेहतर ये समझे कि शायद उसको अस्पताल में ORS पे ही रखा जाए, क्योंकि वो उस समय उसको मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसके हृदय की गति भी देख रहे हैं, और वो ये भी जांच कर रहे हैं कि बच्चा अगर ORS पी पा रहा है तो हो सकता है ORS ही कंटिन्यू करें, क्योंकि ORS को सबसे अच्छा मेडिसिन समझा गया है। जब डॉक्टर साहब को ये लग रहा है कि ORS दे भी रहे फिर भी अभी बच्चे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है या ज़्यादा क्षार की ज़रूरत है, उस समय फिर इंट्राविनस यानी नस द्वारा सलाइन हम लोग जिसको कहते हैं वो दे दिया जा सकता है। अगर बाकी भी बीमारियां है साथ साथ डायरिया के, अक्सर तो डायरिया वायरस से होता है तो उसको सलाइन या ORS के अलावा और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, पर अगर बुखार भी चल रहा है या हो सकता है पेट फूला हुआ है, संडास में खून आ रहा है, या कहीं ये लक्षण है कि उसके फेफड़ों में भी इन्फेक्शन है, उस समय हो सकता है एंटीबायोटिक्स का भी वापर किया जा सकता है। अस्पताल में बेहद ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए हम लोग अक्सर अस्पताल में ले जाते हैं, वो है मॉनिटरिंग। और अस्पताल का स्टाफ हुआ या डॉक्टर साहब हुए, वो बच्चे की हालत पे निरंतर ध्यान बनाए हुए रखते हैं, क्योंकि जिस समय डायरिया हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में शरीर से पानी कम हो चुका है या क्षार हो चुके हैं, तो उसका असर सभी अवयवों पे गिरता है, जैसे हृदय हो गया या फिर हथड़िया हो गई, तो ऐसे वक्त में, या फिर ब्रेन हो गया, हमारे दिमाग को भी तो इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की ज़रूरत है,
अगर बहुत मात्रा में अगर पानी निकल गया है तो हो सकता है बच्चा सुस्त है या चिड़चिड़ा है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना ये अस्पताल का जो स्पेशलिटी स्टाफ है ये बखूबी निभा लेते हैं, और ऐसे वक्त में हमको अस्पताल का सहारा लेना बेहद बेहद ज़रूरी होता है। दर्शकों, डायरिया मैनेजमेंट पर डॉक्टर पानर्जी के साथ चर्चा जारी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।